सर सोशल मीडिया पे रूमर्स है कि पुष्पा 2 और टाइगर 3 को साथ में रिलीज किया जा रहा है, क्या लगता है सर कौन जीतेगा क्लैश? देखिए हो सकता है दोनों का क्लैश हो, पूरा ऑफिशियल कंफर्मेशन तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे हो रहा है, ट्विटर पे हो रहा है, काफ़ी जगह पे हो रहा है और यूट्यूब पर भी कई जगहों पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये क्लैश हो भी सकता है क्योंकि टाइगर 3 को आने में भी काफ़ी टाइम है, पुष्पा 2 के लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं, शूट तो अभी शुरू नहीं हुआ है पुष्पा का, लेकिन जल्दी फिल्म बन जाएगी क्योंकि सब कुछ तैयार है, स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ तैयार है, उनको सिर्फ शूट ही ऑन करना, पोस्ट प्रोडक्शन फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि पुष्पा 2 जो आएगी तो वो तो क्या धमाल बवाल मचाएगी, देखिए आप इसका अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। तो मैं आपको बता दूं KGF ने भी जो लेवल बनाया था, मुझे लगता है KGF से भी ज़्यादा बड़े लेवल का काम करेगी पुष्पा 2, ऐसा मेरा मानना है। मुझे नहीं पता, कुछ लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, कुछ लोग एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि KGF 2 से भी ज़्यादा कमाई करने वाली है पुष्पा 2। तो अगर ऐसे में पुष्पा 2 के सामने टाइगर 3 आ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर 3 जो है इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता पुष्पा के सामने चल पाएगी। हालांकि सलमान भाई की फिल्म है, सलमान खान हिंदी में तो चलते ही चलते हैं, देखिए पुष्पा तो साउथ में धमाल मचाई देगी, उसमें कोई मुकाबला किसी का कहीं तक नहीं है, लेकिन हिंदी में भी अगर हम बात करें तो हिंदी में टाइगर 3 से भी ज़्यादा मुझे लगता है पुष्पा 2 को ही लोग देखने जाएंगे, क्योंकि पुष्पा के पास क्या है, हर तरह की ऑडियंस हो गई है अभी के समय में, फैमिली ऑडियंस, देखिए सलमान खान की फिल्मों में जैसे फैमिली ऑडियंस आती है, लेकिन पुष्पा के पास भी पूरी फैमिली ऑडियंस है, नए लोग हैं, ठीक है, यंग पीपल्स है, सभी लोग पसंद कर रहे हैं, अल्लू अर्जुन की बहुत पुरानी एक पहचान है, लोग सभी जानते हैं, पुष्पा ने अलग ही एक क्रेज़ कर दिया, देखिए क्रिकेट हो या ओलंपिक्स बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आर्चरी हो या अलग अलग जो भी गेम्स है उन सब में हम देख रहे हैं, वुमेंस क्रिकेट में हम देख रहे हैं वो थग्गे देले वाला एक्शन करते हुए दिख रहे हैं लोग, स्पोर्ट्स पर्सन अभी तक दिख रहे हैं, फिल्म को 6 महीने से ऊपर हो चुका है रिलीज हुए, लेकिन उसका मतलब जो खुमार है वो उतर ही नहीं रहा है लोगों के सर से। तो पुष्पा 2 आ जाएगी तो खुमार किस लेवल पे जाएगा आप समझ लीजिए। मुझे नहीं लगता कि पुष्पा 2 के सामने टाइगर 3 तो क्या कोई भी और फिल्म किसी भी स्टार की चल ही नहीं सकती, किसी का ही मुकाबला नहीं है, कोई हेट नहीं है सलमान खान के अगेंस्ट टाइगर 3, मैं भी देखना चाहता हूँ फिल्म चले, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूँगा अगर टाइगर 3 को ज़्यादा कमाई करनी तो मुझे लगता है सोलो रिलीज़ होनी चाहिए बजाय पुष्पा 2 से कम्पीट करने के। तो मैं समझता हूँ कि पुष्पा 2 अगर आती है किसी भी फिल्म के सामने तो पुष्पा 2 ही जीतेगी और ज़बरदस्त कमाई